तुलजा भवानी मंदिर को इसने खंडित कर दिया। शिवाजी महाराज को बुलाकर जीजा मैया कहती है कि उस अफजल खान का कटा हुआ सर मेरे कदमों में चाहिए शिवा। अफजल खान खुश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं शिवा को तो बहुत बड़ा बलवान समझता था, लेकिन शिवा तो एक चूहा निकला। मैया को पता चलता है कि हमारी कुल देवी तुलजा भवानी मंदिर को इसने खंडित कर दिया। शिवाजी महाराज को बुलाकर जीजा मैया कहती है कि उस अफजल खान का कटा हुआ सर मेरे कदमों में चाहिए शिवा। छत्रपति शिवाजी महाराज जीजा मैया को जबान देते हैं, सौगंध खाते हैं और एक योजना बनाते हैं और एक पत्र लिखते हैं कि अफजल खान तेरी शक्तिशाली सेना देखकर मैं डर गया, तेरा इतना बलवान शरीर देखकर मैं डर गया, मैं तेरे से मिलना चाहता हूं और मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं, ना तेरी जगह ना मेरी जगह प्रतापगढ़ किले के नीचे हम मिलेंगे। अफजल खान खुश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं शिवा को तो बहुत बड़ा बलवान समझता था, लेकिन शिवा तो एक चूहा निकला। वो तो डर गया, अब तो मैं विजय हो गया, वो बेफिक्र हो जाता है और शिवाजी महाराज कहते हैं कि तेरे चार सैनिक और मेरे चार सैनिक हम मिलेंगे। तो ये अफजल खान ऑलरेडी प्लान कर चुका होता, एक खंजर पीठ में छुपा कर जाता है, वो सोच लेता है कि शिवाजी को मैं दबा के मारूंगा यानी तो पीठ में छुरा भोंक कर मार दूंगा। मेरे मित्रों, इतिहास गवाह है कि इन हरामियों ने हमेशा पीछे से वार किया। अरे आमने सामने लड़ने की तो इनमें दम नहीं है, हमेशा पीछे से वार करने वाली इनकी कौम और इनकी नस्ल है मेरे भाइयों। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने जाते हैं, अफजल खान कहता है कि आ शिवा गले मिल, माफी मांग। शिवाजी महाराज समझ जाते हैं तो बाद में का ऑलरेडी हाथ में पहन के जाते हैं और अपने आप को पूरा ब्लड प्रूफ कर लेते हैं शिवाजी महाराज। जब संभाजी से मिलने जाते हैं, अफजल खान से जब मिलने जाते हैं तो अफजल खान गले मिलके पीछे से हमला करता है तो शिवाजी महाराज उस अफजल खान का पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां बाहर निकाल लेते हैं। उस लांडे की अतड़ियां बाहर निकाल के उसका सर काट के जीजा मैया को थाली में गिफ्ट देने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है। मेरे मित्रों, जीजा मैया कहती है कि इस अफजल खान के सर को प्रतापगढ़ के दरवाजे पर लटका दे, फिर कोई भी हिंदुओं पर, मंदिरों पर, नारी पर अगर बुरी निगाह डालेगा तो इस अफजल खान का इतिहास पढ़ के वो 10 बार सोचेगा मठ मंदिर नारी पे अत्याचार करने के लिए। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, वैसे तो इतिहास अगर हम कहना शुरू करें तो बहुत बड़ा इतिहास है मेरे मित्रों, भूतों ना भविष्य, कभी इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का कभी खत्म नहीं होता। और हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सोच थी, दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ते थे, कभी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते थे। जब दुश्मन हाथ में मिला उसका खत्म कर देते, उसका खात्मा करने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे मित्रों। लेकिन हर इंसान को मौत है मेरे मित्रों, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस संसार को छोड़कर चले गए। इस संसार को छोड़कर जाने के बाद में औरंगजेब
दिवाली मनाता है, मिठाई बांटता है, तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। लेकिन उसको पता नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वीर योद्धा बेटा भी इस जमीन पे था और वो संभाजी राजे मेरे मित्र। 120 युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने लड़ा है, एक भी युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने कभी नहीं हारा मेरे मित्रों, कभी नहीं हारा। लेकिन दुर्भाग्य है, अरे हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वो समय पर भी संभाजी महाराज को पकड़वाने वाला हमारा ही व्यक्ति था मेरे मित्रों। जब संभाजी महाराज को पकड़ के आगरा ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, तो ये औरंगजेब संभाजी महाराज को मिलने आता है। कवि कलश को कहता है, संभाजी महाराज को कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे जैसा एक मराठा अगर मेरी सेना में है तो मैं पूरे इस्लाम का राज पूरे भारत में लेकर आऊंगा। लेकिन संभाजी महाराज क्या कहते पता है, अरे औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूँ, मर सकता हूँ लेकिन तेरा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। ये कहने वाले हमारे संभाजी राजे मेरे मित्रों। संभाजी महाराज को उस सेनाओं को कहता है कि हर दिन इसका एक अंग काटो। संभाजी महाराज जब तक इस्लाम कबूल ना कर ले इसके ऊपर अत्याचार करते रहो मेरे मित्रों। आज तक भविष्य में इतनी भयंकर मौत किसी को नहीं मिली होंगी जितनी भयंकर मौत हमारे संभाजी महाराज को इस औरंगजेब ने दी मेरे मित्रों। कुछ लोग कहते हैं, सेकुलर नेताएं कहते हैं, कह रहे भाई वो जमाना गया, अब हम क्यों याद करें, अब क्यों हम याद करें, शिवाजी के बलिदान को क्यों याद करें, संभाजी के बलिदान को क्यों याद करें। तो मैं उन हरामियों को कहना चाहूंगा, जब तुम लोग बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते तो हम हमारे संभाजी के बलिदान को भी नहीं भूल सकते। जब तुम लोग पार्लियामेंट में ठहर के कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, हमारी आने वाली पुस्तों को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताते रहेंगे, तो बेटा सुन, हम भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और संभाजी महाराज की वीरता और कार सेवा भी हम हमारे बच्चों को सिखाते रहेंगे। अरे 39 डेज संभाजी महाराज के हर अंग को कट करके उगादी के दिन संभाजी महाराज की गर्दन काट के किले पर लगाने वाला वो औरंगजेब था मेरे मित्रों। हम नहीं भूलेंगे संभाजी महाराज पे हुए अत्याचार को, हम नहीं भूलेंगे हमारे हिंदुओं पर किए गए अत्याचार को, हम नहीं भूलेंगे हमारी नारियों के साथ किया गया बलात्कार को, हम नहीं भूलेंगे और न ही हम भूलने देंगे। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे लोगों की सोच है, कुछ ही दिन पहले हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कर्नाटक में टीपू सुल्तान को भगवान बनाते हैं, टीपू सुल्तान को अपना दोस्त मानते हैं। मैं एक यूट्यूब पर एक चैनल देख रहा था, टेम्स नाउ भारत। उस टेम्स नाउ भारत में टीपू सुल्तान के बारे में जो बताया गया, मेरे मित्रों, हर वो नौजवान को टीपू सुल्तान के इतिहास को जानने और समझने की आवश्यकता है। जब हम छोटे थे, जब द लेजेंड ऑफ टीपू सुल्तान का एक छोटा सा एपिसोड बताया जाता था, बहुत सारे हमारे परिवार के लोग नहा धोकर पूजा पाठ करके टीवी के सामने बैठ जाते थे कि भाई टीपू सुल्तान जिसने देश के लिए लड़ा उसका अभी एपिसोड आने वाला है, खुद देखते थे और बच्चों को दिखाते थे, टीपू सुल्तान का इतिहास बताते थे। लेकिन जो जिसने एपिसोड बनाया उसको हिंदुओं पर किए गए अत्याचार नहीं दिखे,
जिसने एपिसोड बनाया नारियों के साथ बलात्कार करवाता था टीपू सुल्तान, और वो नारियों के छोटे छोटे बच्चों को नारियों के बलात्कार करने के बाद में फांसी पर उन महिलाओं को लटका कर बच्चों को भी फांसी देने वाला वो टीपू सुल्तान था मेरे मित्रों। अरे टीपू सुल्तान की तलवार जो विजय माल्या ने खरीदी है, उसकी तलवार की जो हैंडल है, उस हैंडल पे क्या लिखा हुआ है? मैं आज पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, उन सेकुलर नेताओं से जो टीपू सुल्तान को अपना बाप मानते हैं। मेरी तलवार चमक रही है काफिरों का खून पीने के लिए, यह लिखा हुआ है टीपू सुल्तान की तलवार की उस हैंडल पे मेरे मित्रों। अरे कईयों गांवों को लूटा, कईयों ब्राह्मणों का मर्डर किया, कईयों नारियों का बलात्कार किया, कईयों का धर्मांतरण करने वाला टीपू सुल्तान नहीं तो कौन था? मैं आज पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों, आपके इस कर्नाटक क्षेत्र में ही आज हम देख रहे हैं टीपू सुल्तान चौक, टीपू सुल्तान बस्ती, टीपू सुल्तान की प्रतिमाएं बिठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये जो वोट के भिखारी जो नेता है ना, ये वोट के भिखारी नेताओं को सबक आपको ही सिखाना है मेरे मित्रों, नहीं तो कोई इनको सबक सिखा नहीं सीखेगा। वोट के खातिर टीपू सुल्तान को अपना अब्बा भी मान लेंगे ये लोग। अरे मैंने कुछ ही दिन पहले जब मैं एक नेशनल न्यूज को फॉलो कर रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज आई उस चैनल पर। ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि कर्नाटक के विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अरे नारे लगाने वाले कौन थे और वो कौन हुसैन जीतने के बाद में जिसके समर्थन में लगा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के ही नारे क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे कभी पाकिस्तान जाकर देखो, पाकिस्तान में तुम लोगों को मुहाजिर कहा जाता है। मुहाजिर का मतलब है कुत्ता, मुहाजिर का मतलब है भगोड़ा, मुहाजिर का मतलब है नीच इंसान को वो लोग मुहाजिर कहते हैं। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान में मुहाजिर कह के पुकारा जाता है, और ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। अरे ISI वाले भी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, PFI वाले भी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, ओल्ड सिटी वाला मेरा बड़ा साले की रैली निकलती है तो उसकी रैली में भी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं उन कभी सभी कमीनों को कहना चाहूंगा जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, बेटा ये भारत देश है और भारत देश में भगवे का राज है, और भगवे के राज में जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा उसके पिछवाड़े में ठोका भी जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मेरे नौजवान हैं, यहाँ से आपको एक सौगंध लेकर जाना है, एक संकल्प लेकर जाना है, और हमारे विधायक जी बात करने के बाद में जाना है, जितने लोगों के पास फोन है सब लोग अपनी लाइट ऑन करें फोन की, यानी ऊपर तो तारे हैं, हमें नीचे भी तारे दिखाना है सोशल मीडिया के माध्यम से। विजयपुर के हिंदुओं का संगठन, विजयपुर के हिंदुओं की शक्ति को हमें बताना है, और सीधा हाथ सामने रखकर एक स्लोगन हमें खाना है मेरे मित्रों। स्लोगन खाने के लिए तैयार हो, तैयार हो। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा, मैं धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, लव जिहाद के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, मैं मेरे भारत को जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करवाता हूँ मैं शांत नहीं बैठूंगा, मेरी गौ माँ की रक्षा करूंगा,
मेरी नारी की रक्षा करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की कहना है, जय शिवा सरदार की, जय शिवा माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जीजा माता की, संभाजी राजा की। आज आपके इस विजयपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर जो इतनी बड़ी संख्या में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नावड़े यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सबको जय श्री राम कहता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कई वर्षों से जनता सेवा ग्रुप को सहयोग करते हुए जो इस क्षेत्र के हमारे बड़े भाई जो हमारे विधायक है बीआरपी जी को भी मेरी तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मित्रों, आपके इस विजयपुर में जो इतनी बड़ी संख्या में जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाउले जो सड़कों पर उतर के जो संगठन का जो अपने आप में जो परिचय दिया है ना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, आज ऐसे महान व्यक्ति की हम लोग जयंती मना रहे हैं। काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी न होता तो हम हिंदू की सुन्नत होती। ये वो व्यक्ति है, इनके त्याग के कारण आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। अगर शिवाजी ना होते तो सोचो हम कहां होते, अगर शिवाजी ना होते तो सोचो हम कहां होते। आज छत्रपति शिवाजी महाराज योद्धा ने उन औरंगजेबों से लोहा लिया, उन औरंगजेब की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, तब जाकर हिंदू समाज आज बचा हुआ है। मेरे मित्रों, क्या मेरी आवाज कोने तक आ रही है? आ रही है ना? मेरे मित्रों, जब मुगलों का राज था हिंदुस्तान पर हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा था, जहां मंदिर दिखे उस मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में किताब रखकर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा मंदिर, वहां पर कुछ लोग पूजा करने के लिए खड़े होते हैं। छोटा सा मंदिर में शिवलिंग होता है और उस शिवलिंग में बहुत सारे भक्त पूजा करने के लिए खड़े होते हैं, और उन्हीं भक्तों में एक छोटी सी लड़की भी खड़े होती है। एक छोटी सी ताली, थाली में फूल, छोटी सी लड़की, भगवान शंकर को देखकर मन ही मन आनंद हो रही थी। वही समय पर औरंगजेब की सेना उस छोटे से गांव से गुजरती है। सेना देखती है कि इतनी पब्लिक यहां पर क्यों खड़ी हुई है। सेना वहां पर जाती है, पब्लिक को देखती है, पब्लिक के बीच में छोटा मंदिर, तब जाकर सेनापति को बताया जाता है कि ये हिंदू खड़े हुए हैं, और ये हिंदू वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां पर पूजा कर रहे हैं। तो सेनापति कहता है कि जाओ उस मंदिर को खंडित कर दो, उस शिवलिंग को तोड़ दो। तोड़ने से पहले उस शिवलिंग पर गाय का मांस रखना,
तोड़ने से पहले उस शिवलिंग पर मूत्र विसर्जन करना, तब जाकर वो शिवलिंग तोड़ना, ये सेनापति आदेश देता है औरंगजेब का सेनापति। सेना जाती है, मंदिर को तोड़ती है, मूर्ति को खंडित करती है, छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती है। मेरे मित्रों, वो छोटी सी लड़की एक सौगंध खाती है कि हे मेरे भोलेनाथ, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा, मेरा बेटा इस औरंगजेब की सेना से लोहा लेगा, इन औरंगजेब की सेना से युद्ध लड़ेगा। और वो छोटी सी लड़की है जीजा माता। मेरे मित्रों, छोटी सी लड़की ने एक संकल्प लिया, 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता ने गोला बैट नहीं सिखाया, ना ही झुंझुना दिया खेलने कूदने के लिए। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही तलवार की विद्या सिखाई है। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध नीति सिखाई है। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को महाभारत सारे पुराणों का ज्ञान दिया। मेरे मित्रों, 12 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता के प्राण बचाए थे, केवल 12 साल की उम्र में। एक कसाई गौ माता को काटने के लिए ले जाता है, सारे गांव के लोग देखते हैं, गाय पुकारती है, गाय रोती है, कोई गाय को बचाने के लिए नहीं जाता। वही समय पर हमारा छोटा सा बालक शिवा पहुंच जाता है। कसाई को पूछता है कि हे कहां ले जा रहा है हमारी गैया मैया को तू? तो कसाई कहता है, ये हमारे खाने का आहार है, हम इसको काटेंगे और खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को गौ माता का महत्व पता था, गाय के पुण्य के बारे में पता था, गाय हमारी माँ है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था। छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पे से उतर कर उस कसाई का हाथ काट के केवल मात्र 12 साल की उम्र में शिवाजी ने गौ माता के प्राण बचाए थे। आपके इस विजयपुर में, आपके इस कर्नाटक में एक समय पर भगवाधारी सरकार थी, तब गौ रक्षा होती थी, सरकार बदली, आज गौ माताओं का कत्ल हो रहा है आपके इस कर्नाटक में। मैं जितने भी मेरे मित्र हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो संकल्प शिवाजी महाराज ने लिया था गौ माँ की रक्षा के लिए, वो संकल्प आज हम सबको लेने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, अरे गाय हम सबकी माता है, देश धर्म का नाता है, अगर गाय नहीं रहेगी तो हम हमारे बच्चों को क्या डब्बे का दूध पिलाएंगे क्या? अरे जो डब्बे का दूध पीता है वो डब्बे जैसा होता है, जो गौ माँ का दूध पीता है वो शिवाजी जैसा वीर होता है। मेरे मित्रों, तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों को आज तैयार करना है, क्योंकि वो समय पर एक औरंगजेब एक अफजल खान था, आज गली गली में अफजल खान दिखने लगे हैं। तो सोचो कि कितने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं को तैयार करने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प हिंदवी स्वराज का था। छत्रपति शिवाजी महाराज नारी का सम्मान करते थे। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक आपाजी सोंदलकर एक सेनापति थे। उनको पता चला कि औरंगजेब का सोना चांदी हीरे जवाहरात जो मंदिरों को हमला करके लूटा गया, जो हिंदुओं को मार के लूटा गया, जो स्त्रियों का बलात्कार करके लूटा गया, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात जा रहे हैं। आपा जी को पता चलते एक सेना का निर्माण करके उस जो लोग ले जाते हैं, जो औरंगजेब की सेना ले जाते हैं, उन पर हमला करके सारा का सारा हीरे जवाहरात सोना हमारे आपा जी लूट लेते हैं। मेरे मित्रों, साथ ही साथ एक छोटी सी बग्घी में
वजीर खान की भौ भी रहती है। आपा जी सोचते हैं कि महाराज को मैं ये भौ भी गिफ्ट करूंगा, ये नारी भी गिफ्ट करूंगा, क्योंकि हमने देखा है मुसलमान राजाओं के आजू बाजू बहुत सारी नारियां होती है, दासियां होती है, लेकिन हमारे शिवा के आजू बाजू हमने कोई दासी नहीं देखी है। क्यों ना हमारे शिवा को ये नारी में मैं गिफ्ट में दे दूं। आपा जी सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ में वजीर खान की बहू को भी ले जाते हैं और शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं। डॉक्टर कलूर्स एनक्लेव फुली डेवलप्ड एनए प्लॉट्स फॉर सेल नगर द जुमनाड रस्ते लिबा डॉक्टर कलूर एनक्लेव रवरा एनए मत्तु वीयूडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स गळु निम्म विजयपुरदल्ली निमगागि लभ्य। वास्तु प्रकार प्लॉट गळिदु डांबर रस्ते प्रत्येक ड्रैनेज कलेक्शन मक्कळिगागि प्लेग्राउंड गार्डन सौलभ्य सेरिदंते अंडर ग्राउंड विद्युत संपर्क हागू अत्युत्तमवाद बीदि दीपगळ सौलभ्यगळन्न सुसज्जित प्लॉट गळल्लि निमगागि नीडलागिदे। ಉತ್ತಮ ಪ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಗರದ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರದ ಹಳೆ ಜುಮ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಲಿಂ ಖಾಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9663635513 ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಖಾಜಿ ಕೇಬಲ್ ಆಫೀಸ್ KGS ರೋಡ್ ಸಕಾಫ್ ರೋಜಾ ವಿಜಯಪುರ।